हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके और मेरे चैनल फ्लाई विद क्रिश में। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और दोस्तों, अगर आप देना चाहते हैं मुझे कोई भी सुझाव तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसी टिप्स की जो आपको ध्यान देनी पड़ेगी अगर आप एक एसी या कह लीजिए एयर कंडीशनर खरीदने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, वीडियो होने जा रही है बहुत ही ज्यादा नॉलेज से भरपूर, तो एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए करते हैं वीडियो का शुभारंभ। दोस्तों, जैसे कि हम सब जानते हैं, इंडिया के कुछ हिस्सों में वैसे तो 12 महीने गर्मी पड़ती है, पर कुछ हिस्से इंडिया में ऐसे भी हैं जहां अभी फिलहाल सर्दियां पड़ रही हैं और जल्द ही गर्मियां आने वाली हैं। तो दोस्तों, इस गर्मी के मौसम में कई लोग अपना एसी या तो नया खरीदते हैं या पुराना रिप्लेस करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मिलेगी उन्हें ऐसी टिप्स और फैक्टर्स जो उन्हें ध्यान रखने पड़ेंगे एक नया एसी खरीदने से पहले। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज़ होती है टाइप ऑफ एयर कंडीशनर, मतलब एयर कंडीशनर जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक स्प्लिट एसी और एक विंडो एसी। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि आपको स्प्लिट एसी खरीदना है या विंडो एसी खरीदना है, क्योंकि दोस्तों दोनों एसीज की अपनी बेनिफिट होती है। जैसे कि आपको मैं विंडो एसी की बेनिफिट्स बताऊं, तो दोस्तों विंडो एसी आपको इजी रहता है इंस्टॉल करने के लिए एज कम्पेयर टू स्प्लिट एसी, क्योंकि दोस्तों आपको विंडो एसी में दीवारों पे ड्रिल करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। साथ ही साथ दोस्तों, जिन लोगों के रूम का साइज स्मॉल होता है या फिर जगह की कमी होती है, उसमें दोस्तों विंडो एसी ही सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहता है। और दोस्तों, साथ ही साथ आजकल काफ़ी ज़्यादा विंडो एसी के मॉडल्स में हीटर्स भी लगे हुए आ रहे हैं, तो विंटर्स में भी आप एसी से वार्म रह सकते हैं। अब दोस्तों बात करें स्प्लिट एसी की, तो स्प्लिट एसी में भी होती है कुछ बेनिफिट्स, जैसे कि दोस्तों स्प्लिट एसी की ज़्यादा आवाज़ नहीं होती एज़ कम्पेयर टू विंडो एसी, क्योंकि दोस्तों जो कंप्रेसर होता है स्प्लिट एसी में वो कंपेयर टू विंडो एसी काफ़ी कम आवाज़ निकालता है। मतलब एक टाइप के आपके स्प्लिट एसी बिल्कुल साइलेंट होते हैं और कई बार पता भी नहीं चलता कि स्प्लिट एसी लगे कहाँ है। साथ ही साथ दोस्तों बात करें स्प्लिट एसी की, तो स्प्लिट एसी में ज़्यादा कूलिंग होती है एज कम्पेयर टू विंडो एसी, क्योंकि दोस्तों उसमें वाइड विंड ब्लोअर्स यानी जो हवा जहाँ से निकलती है वो जगह काफ़ी वाइड होती है, जैसे कि आप देखेंगे कई लंबी स्ट्रेच तक जाती है, तो इसकी वजह से ज़्यादा हवा एसी में से निकलती है जो ज़्यादा ठंडक करने में मदद करती है। एक और बेनिफिट स्प्लिट एसी की ये भी होती है कि दोस्तों स्प्लिट एसी लगाने के लिए हमें रूम में कोई विंडो या कोई ओपन एरिया नहीं चाहिए होता है। स्प्लिट एसी जो है वो किसी भी दीवार पे फिट हो सकता है इजीली, मतलब विंडो एसी की तरह हमें किसी भी दीवार पे कोई कट आउट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों स्प्लिट एसी और विंडो एसी की इन बेनिफिट्स के हिसाब से आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको स्प्लिट एसी लगाना है या विंडो एसी। दोस्तों, जो दूसरी चीज़ आपको ध्यान देनी चाहिए एसी खरीदने से पहले वो है एसी की कैपेसिटी। इसका मतलब दोस्तों ये है कि आपको कितने टन का एसी खरीदना है। तो दोस्तों एसी की कैपेसिटी मेनली डिसाइड की जाती है रूम के साइज से, क्योंकि दोस्तों कई बार आप सोचेंगे कि आप ज़्यादा टन का एसी ले लें, पर इससे आपको नुकसान ये होगा कि मान लीजिए आपका रूम छोटा है और आपने ज़्यादा टन का एसी लगा लिया, तो इससे रूम तो फास्ट कूल हो जाएगा पर ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की खपत करता है। मतलब जितने ज़्यादा टन का, जितनी ज़्यादा कैपेसिटी का एसी, उतनी ज़्यादा बिजली की खपत। और साथ ही साथ मान लीजिए आपने कोई हल्का एसी लिया, तो दोस्तों हल्के एसी में ये होता है कि वो ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है अपना आउटपुट देने के लिए, मतलब रूम ठंडा करने में वो बहुत ज़्यादा पावर यूज़ करेगा क्योंकि उसमें छोटा कंप्रेसर लगा है, या कह लीजिए वो कम टन का एसी है। दोस्तों इससे भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो सकती है, तो इसीलिए दोस्तों आपको इस चीज़ को चूज़ करने के लिए देखनी पड़ेगी एसी की पावर कंजम्पशन। जी हाँ दोस्तों, हर एसी आता है एक स्टार रेटिंग के साथ। दोस्तों ये रेटिंग डिसाइड करती है कि वो एसी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है या कम करता है। हाइयर स्टार रेटिंग मतलब वो एसी कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके ज़्यादा आउटपुट देता है, और लोअर स्टार रेटिंग मतलब वो एसी ज़्यादा पावर यूज़ करके कम आउटपुट देता है, मतलब ज़्यादा बिजली की खपत। तो दोस्तों जो एसी की हाइयर स्टार रेटिंग होती है वो थोड़ा महंगा होता है, पर वो काफ़ी ज़्यादा बिजली को बचाने में मदद करता है इन लॉन्ग रन। दोस्तों हायर स्टार रेटिंग वाली एसी की बेनिफिट आपको लॉन्ग रन में ही दिखती है, क्योंकि इससे छोटी छोटी अमाउंट में बिजली की बचत होती है लंबे समय तक।
तो हमेशा ये ट्राई कीजिए कि जितने ज़्यादा एसी को स्टार रेटिंग मिली हो उतना ही बेटर आपके लिए रहेगा और उतनी ही बिजली वो एसी आपकी कम खर्च करेगा। अब दोस्तों बात करें एसी की प्राइस की, तो एक टन तक का एसी आपको 20 से 30 हज़ार के बीच में मिल जाएगा और डेढ़ टन का एसी आपको तकरीबन 30 से 35 या 40 हज़ार रुपये तक मिल जाएगा और साथ ही साथ दो टन के एसी आपको तकरीबन 50 हज़ार के आसपास मिल जाएगा एक अच्छी ब्रांड का। साथ ही साथ दोस्तों एसी खरीदने से पहले ये भी देख लीजिएगा कि उस एसी में आपको कूलिंग और हीटिंग फीचर दोनों को ऑप्शन मिले ताकि आप एसी समर्स और विंटर्स दोनों में यूज़ कर पाए। साथ ही साथ ये भी देखिए कि एसी में एंटी बैक्टीरियल फिल्टर भी लगा हो। जी हाँ दोस्तों, एंटी बैक्टीरियल फिल्टर मदद करता है एसी को ऑटो क्लीन करने में, साथ ही साथ कॉपर कॉइल को भी क्लीन करने में। दोस्तों एंटी बैक्टीरियल फिल्टर का फ़ायदा ये होता है कि जो भी हवा में पोलन डस्ट या छोटे पार्टिकल्स डस्ट के घुस जाते हैं वो इसे क्लीन करने में मदद करता है और आपको फ्रेश हवा देता है। साथ ही साथ दोस्तों ये भी देखिए कि एसी में लगा हो डी ह्यूमिडिफायर, इससे आपको मदद ये मिलती है कि इससे हवा में जो एक्सेस मॉइस्चर हो जाता है वो ये कम करता है। स्पेशली ये फीचर काम आता है मॉनसूनस के टाइम में जब बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है। साथ ही साथ ये भी चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि एसी में ऑटो क्लीन का फंक्शन भी हो। दोस्तों इससे ये मदद मिलती है कि एसी में कोई भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया पैदा नहीं हो पाता क्योंकि एसी रेगुलर इंटरवल्स में ऑटो क्लीन होता रहता है या आप इसे मैन्युअली भी कर सकते हैं। और दोस्तों एसी में आप ये भी देखिए कि स्लीप मोड का ऑप्शन हो, इससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि इससे आपकी बिजली की जो बचत है वो बढ़ती है क्योंकि इससे आप कूलिंग जो है रेगुलर इंटरवल्स पे कम कर सकते हैं। मतलब ये है कि अगर आप एसी चला के सो जाते हैं रात को, जो कि हम सब ज़्यादातर करते हैं, तो स्लीप मोड से ये होता है कि वो एसी की कूलिंग कुछ टाइम बाद धीरे धीरे कम होनी शुरू हो जाती है क्योंकि वो टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए एसी की कूलिंग ऊपर नीचे करता रहता है। इससे आपकी दोस्तों बिजली का बिल भी बचेगा। साथ ही साथ दोस्तों ये भी देखिएगा कि एसी जो है वो यूज़ करता है कॉइल्स ठंडक बढ़ाने के लिए। इस चीज़ में आपको बस यही देखना है कि उसमें कॉपर कॉइल ही यूज़ होती हो क्योंकि दोस्तों कॉपर कॉइल ज़्यादा ठंडक बढ़ाने में मदद करती है। साथ ही साथ दोस्तों इसे मेंटेन करना भी इजी होता है और इसकी लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होती है, मतलब ये लंबे समय तक चलती है, आपको इसे बार बार रिप्लेस कराने की ज़रूरत नहीं होती। तो दोस्तों ये थी कुछ टिप्स जो आपको ज़रूरी ध्यान रखनी चाहिए, मतलब ये बेसिक टिप्स हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए एसी खरीदने से पहले। तो दोस्तों अगर आप इन गर्मियों में एक नया एसी खरीदने जा रहे हैं तो एक बार इन टिप्स पे ध्यान दे दीजिएगा, क्या पता कि इन टिप्स की वजह से आपके काफ़ी पैसे बच जाएँ। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको आई हो पसंद, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब लूँगा आपसे इजाज़त, मिलूंगा कल फिर एक नए अपडेट एक नई खबर के साथ। तो चलता हूँ, जय हिंद और वंदे मातरम।